दीपावली पर्व पर हर वर्ष हवा प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण सांस के रोगियों को दिक्कत होने लगती है। इस बार भी हालात ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या का आंकड़ा पिछले 2 दिनों में बढ़ गया है। सांस की दिक्कत होने पर मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सांस रोगियों को काफी दिक्कत होने लगी है। दीपावली पर जलाए गए पटाखों का असर हवा में देखने को मिला। जहरीली हवा के कारण सांस रोगियों को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। सांस रोगियों की बढ़ती परेशानी के कारण एसएन मेडिकल कॉलेज टीवी रोग विभाग में मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ गया। सर, दीपावली पर्व पर पटाखे वगैरह भी जलाए गए थे, प्रदूषण काफ़ी था, जी, तो क्या यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में क्या हालात देखने को मिले, कितने मरीज भर्ती हुए? हम इस बार बताना चाहेंगे। इस बार हमारी आगरा की जनता ने और आप लोगों के सहयोग से और प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से काम लिया है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं सांस के मरीज या किसी भी अन्य तरह के मरीज एकदम से, जैसे जो बाढ़ सी आ जाती थी वो नहीं आई। इस बार मरीज बहुत लिमिटेड मात्रा में है। नो डाउट इमरजेंसी आई हैं, सांस के रोगी आए हैं। कल भी हमने छुट्टी वाले दिन 87 मरीज ओपीडी में आए थे, 8 मरीज सीरियस हालत में भर्ती करने पड़े थे और उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं। आज देखें तो आज भी 50-60 के आसपास मरीज आए हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा नहीं हुई कि सबको सांस का अटैक पड़ा। हाँ 7-8 मरीजों में सांस का अटैक हुआ था, उन्हें दिक्कत हुई थी, उन्हें भर्ती करा गया, लेकिन इस बार की स्थिति पहले पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो बेहतर रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी जो जो भाई और बहन हमें सुन रहे हैं, अभी भी एहतियात बरतें। अभी भी शाम को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या पटाखे जहाँ पर चल रहे हैं, जो भी सांस के रोगी हैं या जो भी फेफड़े के रोगी हैं, वो एहतियात बरतें, मास्क लगा के रखें और खुले में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या पॉल्यूशन जहाँ समझें कि जहाँ दम घुट रहा है वहाँ पर ना जाए तो उनके लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर किसी को एक बार अटैक पड़ता है, सांस फूलती है, तो अननेसरली उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उन्हें अननेसरली की परेशानी होती है, क्योंकि उससे बचा जा सकता है अगर वो थोड़ा सा अपना सजगता का परिचय दें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्त कि जो जो टीबी के मरीज हैं या जो सांस के रोगी थे, अस्थमा के रोगी थे, अपनी दवाई ना छोड़ें, नियमित रूप से दवाई लेते रहें। अगर इन्हेलर ले रहे थे तो उसकी डोज अपने डॉक्टर से एडजस्ट करा के कंटिन्यू लेते रहें, उसमें कतई नागा ना करें तो हमें लग रहा कोई परेशानी नहीं होगी और हम लोग बहुत अच्छी तरह से निकल पाएंगे। 3-4 दिन की बात और है, सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। सोमवार को 87 मरीज ओपीडी में आए। इसके अलावा लगभग 8 मरीज गंभीर हालत में थे जिन्हें भर्ती किया गया। ऐसे में डॉक्टर सांस रोगियों को अपनी देखरेख की सलाह दे रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट।